हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो हमने कल और परसों काम किया था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर काम किया था। अब जो हमने काम करना है वो एलिमिनेशन मेथड के ऊपर काम करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड में हम न्यूमेरिकल कोफिशेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन दी हुई है हम उसको नोट कर लेंगे। और सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशेंट क्या है। यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट 1 है, तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इक्वेशन नंबर सेकेंड में एक्स का कोफिशेंट है 2, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उल्टा काम करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। और एक जो है, जैसे हमने एक्स के कोफिशेंट इक्वल करे हैं तो वाई की वैल्यू निकल आएगी, और वाई की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में लगा के हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू हम डिफरेंटली कैलकुलेट कर लेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हम अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे। हम किसी भी मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकालें, चाहे एलिमिनेशन मेथड से निकालें, या एक मेथड और सिखाना है, चाहे उस मेथड का यूज़ करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, किसी भी मेथड का हम यूज़ कर लें, लेकिन हमारे पास जो ये एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? सेम आएगी। हमने यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है। इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद यूज़ करेंगे और वेरीफाई करके देखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड नीचे फॉर्मुलेशन क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम दिया है। पहले आप इसका फॉर्मुलेशन करेंगे, फॉर्मुलेशन करने के बाद आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लीजिए। और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करिए और एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए, दोनों मेथड का यूज़ करिए आप, क्योंकि अभी आपके पास टाइम काफ़ी है, तो आप इन दोनों मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पहले आपने इन स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, फिर फॉर्मुलेशन करना है, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी।